जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में भी हम एक और पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड गाइस, इससे पहले और भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं पार्शियल डेरिवेटिव के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो एक बार आप जाकर देख ले। ये रहे उन वीडियोज़ के स्लाइड्स। एक क्वेश्चन है जो कि मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पे था, जिसमें क्वेश्चन में टैन इंक्लूडेड था। क्लियर है? उससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस टाइप के फॉर्म पे भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को एक बार आप जाकर देख लें, तब आपको आज की वीडियो और समझने में थोड़ा और ईजी हो जाएगा। अब वो जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। उन सभी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट का नेम आप सर्च कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन नेम से एक प्लेलिस्ट है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने लिमिट्स ऑन कंटिन्यूटी के भी क्वेश्चंस को अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। और अगर इन टॉपिक्स को डिटेल में भी पढ़ना हो तो उसका भी एक ऑलरेडी पूरा फुल प्लेलिस्ट है, 80 या फिर आई थिंक 88 वीडियोज़ का। आप जाकर उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें और भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन अपलोडेड है वहाँ पे, एंड बहुत सारे टॉपिक्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, इफ वी इज इक्वल टू आर की पावर एम, वेयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, शो डैट कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एम, एम प्लस वन की पावर इंटू आर की पावर, ये आर की पावर में है एम माइनस टू, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, एल एच एस साइड को लेंगे और इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इसकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, आर एच एस के इक्वल होगा। अब यहाँ पे गाइस एक चीज ध्यान देना है कि वी इज इक्वल टू आर की पावर एम है और हमें वी को ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। और यहाँ पे हमें आर की पावर m गिवन है और r स्क्वायर यहाँ पे की क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है, मैं इक्वेशन ले रहा हूँ एक बार, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू फाइंड करें, इस इक्वेशन से हम r की पावर m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट हो गया, एक्स स्क्वायर है तो उस साइड अगर दोनों साइड हम अंडर रूट कर दे तो ये बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पे कर दे आर की पावर एम, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एम बाई टू। तो यहाँ से हमने आर की पावर एम की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये किसका इक्वल है, वी इज इक्वल टू आर एम है, सो वी हो गया वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एम बाई टू। नो गाइज, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव अपलोड किए हैं वो अगर आपने देखा होगा, तो प्रीवियस वीडियो मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जैसे हमें अगर यहाँ पे अब क्या करना है, हमें वी फाइंड हो गया है, अब इस वी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, फिर उस जो इक्वेशन आएगा उसको एक बार और पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, तब जाकर वो क्या बनेगा, उस इक्वेशन का डबल पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या है, हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है कौन से इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस चीज़ को हमें जो v के इक्वल में है उसको हमें क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। मैं एक बार आपको हाईलाइट कर दूँ, इस वाले पोर्शन को आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। अब इनको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप एक्स को वाई से रिप्लेस कर दे या फिर वाई को एक्स से रिप्लेस कर दे, x को z से रिप्लेस कर दे और z को x से रिप्लेस कर दे, या y को z से रिप्लेस कर दे एंड z को y से रिप्लेस कर दे, मीन्स दोनों को एक साथ जब रिप्लेस करेंगे किसी भी दो टर्म्स को तो फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है, मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर मैं इस एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे वाई रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर रख जाएगा। तो अगर हम यहाँ वाई की जगह फिर एक्स रखना पड़ेगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो नेट इक्वेशन क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि दोनों सेम ही है। क्लियर है? तो ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें वैल्यू को इंटरचेंज करने पे भी जो इनिशियल इक्वेशन था और फाइनल इक्वेशन आएगा वैल्यू को इंटरचेंज करने के बाद, वो अगर दोनों सेम आता है, सो सपोज अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं क्या, कर्ली वी अपॉन कर्ली एक्स, और जो इक्वेशन आएगा उसमें कहीं पे अगर एक्स है, क्लियर है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम कर्ली वी अपॉन कर्ली वाई फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये इक्वेशन आएगा वहाँ जहाँ जहाँ एक्स आएगा उसको आप क्या करेंगे, वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो वही हमारा कर्ली वी अपॉन कर्ली वाई बन जाएगा। और सेम होता है अगर हम डबल पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ करके एक बार, तो अगर हम क्या फाइंड करें, कर्ली वी अपॉन कर्ली एक्स, तो क्या बन जाएगा, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स, और इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
की पावर m बाई टू। तो इसको अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो पहले हम करेंगे पावर का, तो पावर आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा m बाई टू, और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m बाई टू माइनस वन, तो वो बन जाएगा m माइनस टू अपॉन टू, और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास एम एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एम माइनस टू अपॉन टू, ये टर्म आ गया। अब हमें इस इक्वेशन को एक बार और क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, तब जाकर हमारा क्या बनेगा डबल पार्शियली डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं एक बार न्यू स्लाइड ले रहा हूँ, तो हमें फाइंड करना है अब कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कर्ली अपॉन कर्ली एक्स, और टर्म क्या आया था हमारे पास एम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एम माइनस टू अपॉन टू। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं, m तो कॉन्स्टेंट है बट x वेरिएबल है, और x मल्टीप्लाई बाई समथिंग है, और इसमें भी एक वेरिएबल है x, तो यहाँ पे क्या होगा u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स जो हम करते हैं u इंटू वी का, तो क्या होता है u एज इट इज v डैश प्लस v एज इट इज u डैश, या फिर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, मीन्स सेकेंड वाला जो टर्म है प्लस के बाद वाला पहले आ जाएगा और ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, वैसे भी हम कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्या करते हैं, m कांस्टेंट है तो m को मैंने ले लिया बाहर, अब क्या है पहले करते हैं x का, x को पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना, तो हो गया 1 और सेकेंड टर्म एज इट इज रहेगा, तो सेकेंड टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m माइनस टू अपॉन टू, उसके बाद क्या आएगा प्लस का साइन, अब x एज इट इज रहेगा, और सेकेंड वाले टर्म को करेंगे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पावर आएगा पहले साथ में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या बन जाएगा मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ m माइनस टू अपॉन टू, ये आ गया, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई बाय इस पूरे टर्म के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m माइनस टू अपॉन टू माइनस वन, मल्टीप्लाई में क्या आएगा एक्स स्क्वायर का, तो वो जाएगा 2x, क्लियर है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन 2 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, तो क्या बना फाइनल इक्वेशन हमारे पास m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m माइनस टू अपॉन टू, प्लस यहाँ पे ये x है एक मल्टीप्लाई में ये वाला, और ये अंदर भी एक और x है, तो दोनों मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एम माइनस टू, और यहाँ पे क्या है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एम माइनस फोर अपॉन टू, क्लियर गाइस ये टर्म आ गया। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, अब सिमिलरली इसकी हेल्प से हम कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा जहां जहां मीन्स जैसे मेन इक्वेशन क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके अलावा कोई भी इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां एक्स एक्स्ट्रा आया होगा उसको हम क्या करेंगे डायरेक्टली वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एम माइनस टू बाई टू एज इट इज रहेगा, प्लस ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, और ये किसके मल्टीप्लाई में है एम माइनस टू, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एम माइनस फोर बाई टू। सिमिलरली हम कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, वो भी यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एम माइनस टू बाई टू प्लस जेड स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में इन दोनों के साथ एम माइनस टू, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एम माइनस फोर बाई टू। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों को क्या ऐड करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं कर्ली इन तीनों को हमें इक्वेशन में गिवन है, इन तीनों को हमें ऐड करके इसके इक्वल में प्रूफ करना है, तो अब क्या करते हैं इन तीनों को ऐड कर देते हैं जो इक्वेशन है सिंपल सा, तो यहाँ पे बहुत चीज आपको कॉमन मिलेगा, कॉमन क्या है जब हम सिंपली ऐड करते हैं, मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ पेन का, सो ये टर्म जब m मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो m पहले वाले के साथ भी आएगा दूसरे वाले के साथ ही मल्टीप्लाई में आएगा, और तो मैं बता रहा हूँ जो टर्म कॉमन आएगा ये टर्म और ये वाला टर्म, ये तीनों में कॉमन है, तो जब तीनों में प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सिंपली बन जाएगा 3m मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अब एक और चीज़ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
उसकी वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू है आर स्क्वायर, ये तो हम डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं। सो आ जाएगा 3m इंटू ये आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर m माइनस 2 अपॉन 2 प्लस प्लस का साइन। अब ये तीनों टर्म तो प्लस हो गया, अब बचा है इन तीनों टर्म की बारी, ये तीनों इसकी इसकी और इसकी। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि इन तीनों में सिर्फ ऊपर वाले में एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है, नीचे वाले में वाई स्क्वायर और उसके नीचे वाले में जेड स्क्वायर, बाकी दोनों टर्म सेम है, ए माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस टू तीनों में सेम है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर ये तीनों में सेम है, ये तीनों। तो ये एम माइनस टू और ये दोनों टर्म कॉमन आ जाएगा, मीन्स ये और ये वाला टर्म तीनों से कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ से, एम माइनस टू और ये जो ये टर्म कॉमन आ रहा है तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे आर स्क्वायर की पावर एम माइनस फोर बाई टू, और बच क्या रहा है मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या है आर स्क्वायर ही है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं गाइस कि पूरा टर्म हमारे पास एम और आर की फॉर्म में आ गया। सो सबसे पहले ये आर स्क्वायर है और यहाँ पावर में अपॉन में टू है तो कैंसिल हो गया, तो बचा 3m इंटू आर की पावर m माइनस टू प्लस यहाँ भी कैंसिल हुआ तो क्या बचा m माइनस टू आर की पावर m माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई यहाँ बचा हमारे पास आर स्क्वायर। क्लियर गाइज? नाउ गाइज यहाँ पे एक चीज मिस हो गया था हम लोगों से कि ये जो m हमने मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट टर्म से और फिर वहाँ पे जब ऐड किया था नीचे में यहाँ से और यहाँ से m मल्टीप्लाई करके जब ऐड किया था तो 3m हमने यहाँ पे लिखा था, बट m क्या है इस पूरे इक्वेशन के बाहर में है मल्टीप्लाई में, तो m इन टर्म से भी तो मल्टीप्लाई होगा, इन टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से भी एक m कॉमन आएगा जो कि यहाँ पे मिस हो गया था। तो यहाँ मैंने एक मल्टीप्लाई m लिखा और यहाँ पे एक मैंने मल्टीप्लाई m लिखा। क्लियर गाइज? नाउ मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, फिर वहाँ पे इसी क्वेश्चन को लिख कर और फिर हम इसको रिकैलकुलेट करते हैं यहाँ से। सो गाइज फाइनली इन तीनों को ऐड करके एंड सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये क्वेश्चन बचा है, इसको हमें और फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से क्या है ये बचा 3m इंटू आर की पावर m माइनस टू प्लस m माइनस टू मल्टीप्लाई में है r की पावर m माइनस फोर और r की पावर 2 है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो m माइनस फोर प्लस 2 हो जाएगा जो कि क्या बनेगा r की पावर m माइनस टू मल्टीप्लाई बाई m। तो यहाँ से क्या आ जाएगा r की पावर m माइनस टू कॉमन अगर आ गया तो क्या बचा r की पावर m माइनस टू अगर कॉमन ले ले और मल्टीप्लाई में m भी कॉमन आ जाएगा तो m कॉमन आ गया ये m और ये वाला m कॉमन आ गया तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है प्लस m माइनस टू। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या आएगा 3 माइनस टू 1 तो ये बचा m इंटू 1 प्लस m इंटू r की पावर m माइनस टू। ये हमारा आया फाइनल रिड्यूसर। अब कंपेयर करते हैं कि RHS है कि नहीं है हमारे क्वेश्चन में। तो ये था इक्वेशन, हमसे पूछा गया था इक्वेशन में m इंटू m प्लस 1 r की पावर m माइनस टू और हमारा ये चीज़ आ गया है m इंटू m प्लस 1 r की पावर m माइनस टू, ये किसके इक्वल है RHS के इक्वल। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा एंड अगर इसमें कोई भी डाउट हो कोई क्वेरी हो या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए कोई सजेशन हो इस वीडियो के बारे में तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। मैंने ट्राई किया है कि मैं एक एक स्टेप को डिटेल में बता सकूं आपको और कहाँ पे क्या डिफरेंशिएट हुआ है कैसे हुआ है वो सब डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं, फिर भी कुछ अगर रह गया हो तो आप ज़रूर बताएं सो दैट कि मैं आने वाले वीडियोस में अभी बहुत सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस अपलोड करने हैं मुझे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं उन वीडियोस में ये सब जो गलतियां आपको ऐसा लग रही है उनको मैं सुधार सकूं और क्वेश्चंस को और इजी वे में आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं। एंड अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा हो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो एंड ऐसे और वीडियोज़ भी चाहते हों तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सो दैट कि वो भी टाइम रहते रहते इन वीडियोस को देख सकें और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि जो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बहुत बच्चों को थोड़ा टफ लगता है एंड वो एग्जाम में बेटर मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं, सो डेफिनेटली ये उन्हें हेल्प करेगा। एंड जो प्रीवियस वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है उन्हें भी अगर कोई वीडियोज आपको देखना हो तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।